तू ठुलन थे मेरे शोन अनंत है मेरे प्यार तो पीस तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तिमथे बताने वाल छू। आज हम हैं अयोध्या में, मेरी धर्म पत्नी गायत्री यहाँ पर आई हुई है, तो हम जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। तो ये मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है और ये सब मैं आपको भी दिखा पाने में सफल हो रहा हूँ। तो चलो चलें रामलला का दर्शन करने के लिए। तो पहले हम जो है हनुमानगढ़ी चलते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि पहले हनुमान जी का दर्शन उसके बाद रामलला का दर्शन। चलो तो अब हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात हम चले रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है किसी भी तरह से फोटोग्राफी मोबाइल कैमरा अंदर ले जाना मना है, सख्त मना है। तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम अपना ये जो हम अभी अयोध्या में हैं और जा रहे हैं रामलला दर्शन करने के लिए। संस्कार होते हैं मुंडन संस्कार। सामने वाला मंदिर का ये इतिहास है सर, ये हनुमानगढ़ी से ऊंचा बनाने का प्रयास किया, जबकि ये मान्यता है कि इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो उनका पूरा वंश खत्म हो गया सर। और अभी आज भी इस मंदिर में कोई प्रतिष्ठित नहीं है सर मूर्ति है ना, में नहीं है। भाई असल रोज लोग आते हैं दूर दूर से, तो किसी दिन पूरे देश के कोने कोने से लोग बाग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आज अपार भीड़ है रामलला के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
जय बजरंग बली की। जोर से बोलो बजरंग बली की जय। जय बना था। सब जगह ये है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर जरूर। हाँ उल्लू अच्छा, लक्ष्मी जी की सवारी। हाँ हाँ माता के रूप में सब माता। हाँ इतने दर्शन नहीं है। ये माता अन्नपूर्णा और शिव जी की झांकी है। थोड़ी कभी उनकी खाली नहीं होती, उनकी कभी भरती होती है। ये मार्कंडेय जी का एक कथा है, आप लोगों ने सुना। 12 साल की आयु में मार्कंडेय जी की मृत्यु थी। बहुत बड़े शिव भक्त थे यमराज। 12 साल की आयु में लेने आए, शिव पर कठोर के थे, उन्हें अभयदान दिया। भारद्वाज हमारा भी भारद्वाज है। इसमें अपने पूर्वजों का झलक देख सकते हैं। हमारे दादाजी वहाँ चले, वहाँ नीचे 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 और पीछे से नीचे ना। अरे आओ माता इधर आ जाओ। मैं इमेजिनेशन भाई। हाँ ये रानी का ये था, कल्पना था, इमेजिनेशन था कि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था। यही रानी ने बनवाया। ये दो जगह की मलकियत थी इनके पास, जहाँ मैका भी था वहाँ की एकलौती संत। बर्त में तो पी सकते हैं ना, नीरा जल है ना। अच्छा मैम इधर आ जाइए।
यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने रामलला का दर्शन किया, वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। अब हम अमावा मंदिर के छत पर हैं और यहाँ से जो दूर दिखाई दे रहा है वही पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो आइए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ है अमावा मंदिर के पुजारी श्री पंकज जी। 2024 14 जनवरी हमारे अमावा मंदिर के हैं। पंकज जी इधर आओ, है ना, जरा बताओ जरा इनके बारे में कहानी, कब से क्या क्या रहा ये। लगभग 500 वर्षों से झगड़ा चल रहा था हम लोगों का। अच्छा, मुस्लिम पक्ष से। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 नवंबर 2019 को इस पे सुप्रीम फैसला आया। अच्छा अच्छा, 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2019। अच्छा अच्छा अच्छा। तब से लगभग 6 महीना से ज्यादा लग गए कि हम नीचे नींव क्या बनाए। अच्छा अच्छा। कितना मजबूत बनाए, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर 1000 सालों का था कि 1000 साल ऊपर का स्ट्रक्चर चलेगा, तो नीचे का भी उसी अनुपात में। अच्छा, तो 6 से 8 महीने लग गए उसी डिसाइड में कि नीचे आखिर क्या बनाओ। आफ्टर ऑल फैसला लिया, पूरे देश के IIT जितने भी थे बड़े बड़े, उसके डायरेक्टर्स की एक कमिटी बनाई गई, उसमें से 5 और एक्सपर्ट लोगों को चुना गया, तब जाके इसका नींव का डिजाइन तैयार हुआ, फैसला हुआ, नींव बन के तैयार है। काम इतनी शीघ्र से चल रहे हैं कि 14 जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हो जाना है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाना है। जो आपने बताया ना नीचे ग्रेनाइट कौन सा रहा है? नीचे क्या किया, फ्लाई एश, बजरी, सीमेंट, कुछ केमिकल्स लेके हर 1.5 फुट पे उसको ढलाई करके कॉम्पेक्शन करके। कितने फीट नीचे? 44 फीट नीचे, मतलब वो जो है कंक्रीट, मतलब थोड़ा सीमेंट थोड़ा सा केमिकल करते करते ऊपर तक आए, जमी पे आए। हाँ, जमी से फिर ऊपर 17,000 ग्रेनाइट्स के ब्लॉक द्वारा बेस बनाया गया। अच्छा, जिस पर गर्भगृह और मंदिर रहेंगे। तो ग्रेनाइट का मतलब इसलिए लगाया गया क्योंकि वो पानी कम सोखता है, कंक्रीट पानी ज्यादा और ऑब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा अच्छा। बनिस्पत ग्रेनाइट के। अच्छा, ग्रेनाइट बहुत हल्का करेगा। हाँ, हाँ, इसलिए मंदिर का लाइफ, पानी से ही भवन खराब होते हैं। हाँ, 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 यही कारण है। हाँ, हाँ, ये ग्रेनाइट लगाया गया है कि मंदिर ज्यादा दिन टिकाऊ हो। अच्छा, फिर उसके बाद है ये वाले जो दिख रहे हैं पिंक वाले जी, है ना, वो जो झंडा दिख रहा है वही आपका एक्चुअल बर्थ पैलेस लॉर्ड राम। अच्छा अच्छा, तो रामचंद्र जी यहीं पर पैदा हुए। अच्छा लगा, है ना। गोति श्री नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो कस लेग भल लगी, तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो किकल आती मैदाकार चेचवा, धन्यवाद।